यूपी के महोबा में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। लोगों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि बिना घूस दिए गरीबों को योजना का लाभ नहीं मिलता है, जिससे कि सर्दी के मौसम में भी गरीब परिवार खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। आवास पाने वाले लोगों का कहना है कि पैसे नहीं देने पर प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे नहीं मिलते। लोगों का आरोप है कि साहब को पैसे देंगे तो इनकी अगली किस्त इन्हें दी जाएगी, इसलिए इनके मकान जो हैं वो अधूरे हैं, नहीं बन पा रहे हैं। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ शिकायतें जरूर आ रही हैं, इसके लिए एक फोरम बना हुआ है, अगर उसमें पात्र पाए गए तो उनको मकान मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों को पहले किस्त मिल चुकी है उनको दूसरी और तीसरी किस्त भी दी जा रही है और इसके लिए एक कैंप भी लगवाया जा रहा है। ये जो हमारा मकान गिर गया तो पैसे मांगते हैं, पैसे है नहीं है हमारे पास। आओ और हम पाते हैं सब जने मकान गिर गया, सामान सब दब गया। फार्म भरा आपने? हाँ। कब कब भरा था फार्म? पैसा मांग रहा है थी। जाने क्या देंगे, दे चुकी दो तीन दार दे चुकी। देखिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात आप कर रहे हैं, इसमें हमको भी कुछ लोग ये मिलते हैं कि साहब हमको पात्र हैं और हमारा रिजेक्ट हो गया है, तो इसमें हमने ये आपके माध्यम से भी अपील की है, कई बार पेपरों के माध्यम से भी अपील की है। और इसमें ये नियम है कि यदि जो हमारा DPR बना हुआ है उसमें से कुछ लोगों को अपात्र माना जाता है तो वो अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, और उसके लिए एक फोरम बना हुआ है ADM फाइनेंस की अध्यक्षता में कि जो वो जांच करके ये डिसाइड करेंगे कि वो वास्तव में अपात्र है या नहीं। यदि वो पात्र पाया जाएगा तो उसका नाम उसमें फिर शामिल कर लिया जाता है। ये महोबा में भी हमने भ्रमण के दौरान नगर पालिका में देखा है कि एकाध प्रकरण ऐसे मेरे सामने आए और उसमें जांच करके वो पात्र पाए जाने पर उसको आवास दिया गया। तो पूरी तरीके से तो ये शिकायत एकदम नहीं हम कह सकते कि जो दे रहा है सही ही है।